A very good morning, class. How are you, students? I just hope you all are happy and healthy. Students, we are continuing the chapter 6, Attitude and Social Cognition, in which we had understand the concept of attitude, attitude formation, attitude change, the features of attitude, and the stereotype, prejudice, and the concept of schemas also. And the last is the impression formation and the attribution. These are the cognitive part of the attitude. And the cognitive section of this chapter basically. And this chapter is the next topic of this chapter is the social facilitation, or you can say the behavior in the presence of others. So, वहाँ पे अभी हमने दो concept understand किए, the social facilitations, the social inhibition. In the lastly, the small concept is the social loafing. And today we start a new topic, pro-social behavior. So, our today's topic is pro-social behavior. प्रो-सोशल बिहेवियर दैट मीन अ हेल्पिंग बिहेवियर. ठीक है, हम जहां बात करते हैं ऐसे बिहेवियर की जिसके थ्रू हम सोसाइटी में एक इनिशिएटिव लेते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं. ठीक है, और किसी के पेन से, किसी के मतलब कि अगर किसी को हम पेन में देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दिस इमोशन हम उसकी हेल्प करते हैं. वट एवर इट इज दिस इमोशनल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशनल हेल्प, किसी भी तरह की हेल्प हम उसके लिए करते हैं. दिस बिहेवियर इज नोन एज प्रो सोशल बिहेवियर. सो द क्वेश्चन इज हियर इज दैट कि व्हाई कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रो सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पर होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं दूसरों की एज कम्पेयर टू अदर पीपल्स. क्योंकि कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, सिर्फ सेल्फिश भी नहीं कर सकते कह सकते उन्हें. ऐसा नहीं है कि प्रो सोशल बिहेवियर का जस्ट अपोजिट सेल्फिश ही होगा, बट एट द सेम टाइम कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो एक एवरेज लेवल का इमोशन फील करते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट में, और वो अपने तक सीमित रहते हैं, अपने बिहेवियर, अपनी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, अपने अपनी नीड फुलफिलमेंट को, और अदर पर्सन की नीड्स के लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते, बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते. सो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज ये रिलेटेड है हमारे सोशल बिहेवियर से. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल बिहेवियर, द प्रो सोशल बिहेवियर. सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक, ये है क्या एक्चुअली. सो थ्रू आउट द वर्ल्ड डूइंग गुड टू अदर एंड बींग हेल्पफुल इज डिस्क्राइब एज अ वर्च्यू. ऑल रिलीजन्स टीच अस दैट वी शुड हेल्प दोज हु आर इन नीड. So this behavior is called helping or pro-social behavior. This is also called helping. Pro-social behavior is very similar to altruism, which means doing something for or thinking about the welfare of others without any self-interest. ठीक है, the term altruism, that's mean ये Latin term है जिसमें alter means others and the opposite of ego. Alter that's mean एक ऐसा term which is opposite to ego, opposite to self, and this is denote the other persons. So altruism that's mean एक ऐसा concept जहां पे हम अपने self को sacrifice, अपने ego को डिसाइड रख के, एक साइड रख के हम दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, उनको हेल्प करते हैं. सो दिस बिहेवियर इज नोन एज प्रो सोशल बिहेवियर. सो सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर आर शेयरिंग थिंग्स, कॉपरेटिंग विद अदर्स, हेल्पिंग ड्यूरिंग नेचुरल कैलमिटीज, शोइंग सिंपैथी, डूइंग फेवर टू अदर्स, एंड मेकिंग चैरिटेबल डोनेशंस. ठीक है, ये सारे बिहेवियर हमारे प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर आ जाएंगे. किसी की हेल्प करना, सिंपैथी शो करना, और नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कैलमिटीज में एक दूसरे को हेल्प करना, और किसी के फेवर में कहीं से कुछ पॉइंट कहना, या फिर कोई भी चैरिटेबल डोनेशंस देना, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना, दिस इज ऑल्सो अ प्रो सोशल बिहेवियर. प्रो सोशल बिहेवियर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस सेंस में. सो क्या होती हैं, लेट्स सी. फर्स्ट इज एम टू बेनिफिट और डू गुड टू अनदर पर्सन और अदर पर्संस. एम टू बेनिफिट
और do good to another person or other person. ठीक है, दैट्स मीन प्रो सोशल बिहेवियर का जो एम होता है वो होता है कि हम दूसरे पीपल्स को, अदर पीपल्स को, अनदर पर्सन को बेनिफिट दें, किसी भी वे में हम उसे बेनिफिट दें, एट द फाइनेंशियल लेवल और एट द इंफॉर्मेशन लेवल, एट द इमोशनल लेवल, किसी भी लेवल पे हम उसे एक बेनिफिट दें, उसके प्रॉफिट का, उसके बेनिफिट के बारे में सोचें. दिस इज द एम ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर. नेक्स्ट इज be done without expecting anything in return. ठीक है, यहां पे मतलब हम ये नहीं सोचते कि हमें उसके अगेंस्ट, उसके बिहाफ में कुछ मिलेगा. डेफिनेटली हम ये मतलब ऐसे ही करते हैं, एक कहा जाता है ना कि मतलब हम निस्वार्थ भाव से ये चीज करते हैं. प्रो सोशल बिहेवियर की एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम जो भी करते हैं उसके अगेंस्ट, उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए होता है. ठीक है, इवन खाली उसे वैसा बिहेवियर करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, वी फील गुड, दैट्स वाई हम ऐसा बिहेवियर शो करते हैं. हमें उसके रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं होता, ना पॉपुलैरिटी, ना किसी भी तरह का कुछ भी हमें चाहिए नहीं होता इसके अगेंस्ट. नेक्स्ट है be done willingly by the person. ठीक है, be done willingly by the person, that's mean हम किसी person से pro social behavior forcefully नहीं करा सकते. ठीक है, ये behavior जो होता है वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, आपका इंटरेस्ट होता है, आप उसमें सेटिस्फाइड फील करते हो, सो आप आगे आके इनिशिएटिव लेके करते हो. सो डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई सोशल प्रेशर, कोई मेंटल प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता है, बल्कि ये आप खुद अपने विलिंगली ये इस टाइप का बिहेवियर करते हो. सो दिस इज द अनदर पॉइंट. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज involve some difficulty or cause to the person giving help. Some difficulty or cost to the person giving help. यहाँ पे डेफिनेटली आप जब ये स्टेप का प्रो सोशल बिहेवियर करते हो तो उसके उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करनी होती है या कुछ कॉस्ट पे करना होता है. सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप करंट अफेयर की बात करो तो रिसेंटली सोनू सूद का नाम बहुत हाईलाइटेड है फॉर प्रो सोशल बिहेवियर. सो डेफिनेटली उसने बहुत से लोगों की हेल्प की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ COVID-19. सो इसमें आप देखोगे जब व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू असेस द पर्सनालिटी ऑफ सोनू सूद, सो यू फाइंड आउट दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये फोर कैरेक्टरिस्टिक आपको उसकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली दिखेगी. सो ये फोर अजम्पशंस है, ये फोर कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है. डेफिनेटली प्रो सोशल बिहेवियर में ये चार चीजें होनी चाहिए. पहली चीज, आपको विलिंगली करना चाहिए, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा इस टाइप के बिहेवियर के लिए. दूसरी चीज, यू डोंट नीड रिटर्न. ठीक है, आप कुछ किसी भी तरह का कुछ भी चीज आपको रिटर्न में नहीं चाहिए. इवन यू फील डिफिकल्टी, फॉर एग्जाम्पल सोनू सूद की बात की जाए तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ COVID-19 डेफिनेटली उसे भी अपनी हेल्थ के बारे में उसको टेंशन होगी, अपने हेल्थ के बारे में वो भी अवेयर होगा, बट स्टिल उसने ये एक तरह से क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन को उसने फेस किया जहां पे उसके लाइफ को रिस्क था, बट एट द सेम टाइम फिर भी उसका प्रो सोशल बिहेवियर इतना ज्यादा हाईलाइटेड था कि उसने अपनी हेल्थ की, अपनी लाइफ की फिक्र ना करते हुए लोगों की हेल्थ. सो डेफिनेटली उसने बहुत सारा कॉस्ट पे किया, डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस की जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्पिंग अदर्स. दूसरे पर्सन को हेल्प करने के लिए उसने ये फेस किया.
So this is the concept of pro-social behavior. For instance, if a rich person donate a lot of money that is obtained illegally, so with the idea that her or his photograph and name will appear in the newspaper, so this cannot be called pro-social behavior. This is very contradictory things here. Abhi just main Sonu Sood ki baat kar rahi hu, and recently yahan pe diya hai ki agar koi rich person hai aur usne illegally bahut sari money gain ki hai aur wo us money ko donate kar raha hai due to popularity, पर ड्यू टू नहीं कह सकते, मतलब इस एक्सपेक्टेशन से कि उसे पॉपुलैरिटी मिलेगी, न्यूज़पेपर पे वो हाईलाइट होगा, उसकी फोटोज आएंगी और वो एक प्रो सोशल बिहेवियर में गिना जाएगा कि वो बहुत अच्छा इंडिविजुअल है क्योंकि वो लोगों की हेल्प कर रहा है, वो फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है दूसरों की, बट एक्चुअली वो इनलीगल पैसे से दूसरों की हेल्प कर रहा है. एंड दूसरी चीज, उसका जो इंटेंशन है वो डेफिनेटली रिटर्न पॉलिसी का है. यहाँ पे वो रिटर्न में क्या चाह रहा है, पॉपुलैरिटी चाह रहा है, फेम चाह रहा है. So definitely ये pro-social behavior नहीं, and this cannot be called pro-social behavior, although the donation may be good to many people. ठीक है, ये accepted है कि बहुत सारे लोग donations देते हैं, but all the donations, मतलब जो भी donations देता है ऐसा person, definitely वो pro-social behavior show कर रहा है. It is not compulsory. And in spite of the great value and importance attached to pro-social behavior, people do not show such behavior very often. Immediately after the Mumbai blast on 11th July 2006, the community stepped forward to help the blast victim in any way they could. By contrast, on an earlier occasion, nobody came forward to help a girl on a moving suburban train in Mumbai when her purse was being snatched. So depend करता है कि जो event है, जो situation है, वो कितनी serious है, वो कितनी ज़्यादा intensity की है. So definitely कुछ situations में सभी individuals के through, all the individuals के through pro-social behavior देखने को मिलता है. At the contrast, कुछ situations ऐसी होती हैं जहाँ पे लोगों का pro-social behavior नहीं देखने को मिलता है. Imagine the Nirbhaya कांड. So definitely वहाँ पे pro-social behavior नहीं देखने को मिला था. बट इन दी सिचुएशन ऑफ COVID-19, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सेस को, डॉक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रेंट नहीं ले रहे हैं. ऐसी भी बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली न्यूज में चल रही हैं. इवन अगर कोई ब्लास्ट होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो वहां पे लोग जरूर आते हैं. अभी प्लेन क्रैश हुआ था कुछ दिन पहले, सो डेफिनेटली वहां पे आप देखोगे कि कितनी जल्दी, कितनी क्विकली लोगों को निकाल लिया गया, और शायद बहुत ही कम कैजुअलिटीज हुई थी. क्यों हुई थी? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, प्रो सोशल बिहेवियर के लिए तुरंत ही आ गए थे. हालांकि इतनी बारिश हो रही थी, बट स्टिल दे आर इन्वॉल्विंग टू हेल्पिंग द पर्संस. ठीक है, वो हेल्प करने के लिए आगे आए, उन्होंने हेल्प किया. देखा जाता है कि कुछ सिचुएशंस में बहुत ज्यादा प्रो सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है, जबकि इन कंपैरिजन टू अदर्स. सो ऐसे जब ग्रुप में कोई ऐसा होता है कैजुअलिटी, तो वहां पे ज्यादा प्रो सोशल देखने को मिलता है एट कंपेयर टू. अगर आप ग्रुप लूफिंग की बात करें, ये फिनोमेनम यहाँ पे आ जाएगा. अगर आप बहुत ज्यादा ग्रुप में, लार्जर ग्रुप में हो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज कर देते हो. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक इनिशिएटिव एंड यू कैन नॉट गो फॉर हेल्प. सो मेनी फिनोमेनास आर हियर. सो नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प अ गर्ल ऑन अ मूविंग सबर्बन ट्रेन इन मुंबई व्हेन हर पर्स वॉज बींग स्नैच्ड. द अदर पैसेंजर डिड नथिंग टू हेल्प एंड द गर्ल वॉज थ्रो आउट ऑफ द ट्रेन. Even as the girl was laying injured on the railway track, people living in the buildings around the area did not come to help her. ठीक है, अगर एक पर्सन की बात होती है तो वहां लोग जल्दी हेल्प करने नहीं जाते हैं. अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात होती है, बस एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, और किसी भी तरह का ऐसे नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो भी वहां पे लोग हेल्प करते हैं क्योंकि ग्रुप में लोग रहते हैं. ठीक है, बट अगर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां लोग हेल्प करने से अवॉइड करते हैं. The question then is, under what conditions and with what motives do people help others? So question is, किस conditions में, किस situations में लोग दूसरे की help करते हैं, जबकि किसी और condition में क्यों नहीं करते हैं? Why they not helping in the different situations? So researchers on pro-social behavior has brought out several factors that affect pro-social behaviors. ठीक है, रिसर्चर्स ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को बताती हैं कि किस सिचुएशंस में हमारा प्रो सोशल बिहेवियर शो होगा एंड कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये नहीं शो होगा. सो डेफिनेटली द नेक्स्ट इज
factors influencing pro-social behavior. Factor influencing pro social behaviors. So there are some points which explain why people behave in a pro social behavior, why people show pro social behavior. So the pro social behavior is based on an inborn natural tendency in human being to help others. Other members of their own species, and this inborn tendency facilitates survival of the species. So sabse pehla point hai, this is the natural and the inborn tendency. So this is a नेचुरल इनबॉर्न टेंडेंसी जिसके थ्रू हम एक स्पीशीज के अदर मेंबर्स की हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर स्पीशीज का सर्वाइवल बना रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग. इंडिविजुअल्स हु आर ब्रॉट अप इन अ फैमिली एनवायरमेंट दैट सेट्स एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग अदर्स, एम्फसाइजिंग हेल्पिंग एज अ वैल्यू एंड प्रेजेस हेल्पफुलनेस and showing more pro-social behavior than individuals who are brought up in a family environment devoid of these features. So definitely the family values, or you can say the family traditions, okay, learning, family values. So, ऐसी फैमिलीज जहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाता है बचपन से ही, चाइल्ड्स अगर प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, सो उनको अप्रिशिएट किया जाता है. इस टाइप के बिहेवियर के लिए इम्फेसिस किया जाता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये धर्म है कि तुम दूसरों की हेल्प करो. सो दिस टाइप ऑफ फैमिलीज से जो चिल्ड्रंस आते हैं, जो इस टाइप के एटमोसफियर में जिनकी अपब्रिंगिंग हुई रहती है ऐसी फैमिली वैल्यूज के साथ, सो डेफिनेटली उनमें प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दोज फैमिलीज जहाँ पे इस टाइप की वैल्यूज को इम्फेसिस नहीं दिया जाता और इस टाइप के वहाँ का सोशल इन्वॉल्वमेंट वैसा नहीं रहता, फैमिली इन्वॉल्वमेंट वैसा नहीं रहता. सो डेफिनेटली जो लर्निंग होती है वो चाइल्डहुड से, पहला चीज तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इमिटेशन कर रहे हो अपने पेरेंट्स का, एट द सेम टाइम आपको रीइन्फोर्समेंट भी पॉजिटिव वे में अगर मिलता है फॉर प्रो सोशल बिहेवियर फॉर हेल्पिंग पर्संस. सो डेफिनेटली आप लर्न करते हो कि प्रो सोशल बिहेवियर इज ए गुड थिंग, आप उसको अपनी वैल्यू मानते हो, यू बिकम दिस एज अ वैल्यू एंड दैट्स व्हाई यू फॉलो द प्रो सोशल बिहेवियर इन लाइफ लॉन्ग. नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस प्रो सोशल बिहेवियर. Some cultures actively encourage people to help to needy and de-stress. In cultures that encourage independence, individuals will show less pro-social behavior because people are expected to take care of themselves and not to depend on help from others. So individuals in culture suffering from a storage of resources may not show a high level of pro-social behavior. ठीक है, सो डेफिनेटली कल्चरल डिफरेंसेस भी इस फिनोमेना में आपको देखने को मिलेंगे. कल्चरल फैक्टर, सो कुछ कल्चर्स में प्रो सोशल बिहेवियर को बहुत ज्यादा माना जाता है, वहां पे वहां की वैल्यूज ऐसी हैं, ट्रेडिशन ऐसा है कि वहां पे दूसरों की हेल्प करना, नीडी और डिस्ट्रेस पर्सन की हेल्प करना उनकी ट्रेडिशन में है, उनके कल्चर में है. जबकि कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो वो सेल्फ प्रो सोशल बिहेवियर पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते. सो डेफिनेटली कल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन प्रो सोशल बिहेवियर. नेक्स्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर इज
expressed when the situation activates certain social norms that require helping others. Three norms have been mentioned in the context of pro-social behavior. ठीक है, कुछ social norms हैं जो explain करते हैं इस phenomena को, pro-social behavior को. So next is तो इसमें थ्री नॉर्म्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज रेसिप्रोसिटी, एंड द थर्ड इज इक्वालिटी. So, pro-social behavior is expressed when the situations activate certain social norms that required helping others. So, three norms have been mentioned in the context of pro-social behavior. First one is the norms of social responsibility. So, we should help anyone who need help without considering any other factor. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन हम ये मानते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नीडी पर्सन है, जो डिस्ट्रेस पर्सन है, उनकी हमको हेल्प करनी चाहिए. ये हमारा सोशल नॉर्म्स है, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में हमारा ये नॉर्म्स है कि अगर कोई पर्सन नीडी है तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी हेल्प करें. रिसेंटली आप देखोगे कि कभी कुछ टाइम पहले टेलीविजन पे आफ्टर निर्भया कांड ये चीजें बहुत हाईलाइटेड हुई थी. एक दो एडवर्टाइजमेंट्स भी बने थे जिसके थ्रू ये बताया गया था कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप आगे आइए, आप हेल्प कीजिए और आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, पुलिस आपको नहीं परेशान करेगी. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कभी आप भी उस सिचुएशन में हो सकते हो. सो डेफिनेटली यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है प्रोसोशल बिहेवियर के लोगों को. क्यों इनकरेज किया जाए? क्योंकि ये सोसाइटल नॉर्म्स में आ जा रहा है. सोसाइटी के ये नॉर्म्स हैं कि आप दूसरों की हेल्प करो. अगर कोई पर्सन ऐसे सिचुएशन में है, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो आपको हेल्प करना चाहिए. दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू आर एक अच्छे सिटीजन हो किसी पर्टिकुलर कंट्री के, सो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी का नॉर्म्स क्या है? वी शुड हेल्प दोज पर्सन्स हु हैव हेल्प अस इन द पास्ट. ठीक है, रेसिप्रोसिटी दैट मीन्स एज अ रिटर्न हम बोल सकते हैं. सो अगर कभी पास्ट में किसी ने आपकी हेल्प की है तो अगेंस्ट उसके रिटर्न में आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए. ये प्रिंसिपल ये बताता है, अगर आपके सोशल नॉर्म्स में ये चीजें फिक्स हैं कि अगर आपका पास्ट में अगर जिसने आपकी हेल्प की है, अगर उसे फ्यूचर में कभी किसी हेल्प की जरूरत होगी, मतलब उस पर्सन को जिसने आपकी हेल्प की, सो आपको उसके अगेंस्ट उसके रिटर्न में उसे जरूर हेल्प करनी होगी. सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रेसिप्रोसिटी. And the next is the norms of equality. So we should help other whenever we find that it is fair to do so. For example, many of us may feel that it is more fair to help a person who has lots all beginnings in a flood and then to help a person who has lots everything through gambling. Okay, that means in equality, mein ye डिसाइड करते हैं व्हेन वी आर डूइंग द इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड द एट्रीब्यूशन. सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर जो इनफेयर चीजें हैं, अनफेयर चीजें हैं, उसके लिए जो पर्सन है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इफ वी फील द एक्सटर्नल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, द डेस्टिनी इज रिस्पॉन्सिबल, द एनी काइंड ऑफ डिजास्टर इज रिस्पॉन्सिबल, तो उस सिचुएशन में हम उसकी जेन्युइनली हेल्प करते हैं. हम उसको ही हेल्प करना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं एज कम्पेयर टू दोज पर्सन who lost anything for their own fault. अगर वो अपनी वजह से उस सिचुएशन में फंसा हुआ है तो लोग उसकी हेल्प नहीं करते. सो दिस इज द अगेन अ प्रिंसिपल, अगेन अ लॉ विच एक्सप्लेन द इक्वालिटी. इक्वालिटी दैट्स मीन एक ऐसा फिनोमेना जिसके थ्रू हम उन पर्सन की हेल्प करते हैं जो कि एक्चुअल में नीडी है और जो उस सिचुएशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, ना कि अपने सेल्फ के फॉल्ट की वजह से. ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मेंशन है. देखो, एक फ्लड में अगर एक इंडिविजुअल फंसा हुआ एक फैमिली है तो डेफिनेटली आप उसकी प्रो सोशल बिहेवियर करोगे, उसकी हेल्प करोगे, वहां पे आप प्रो सोशल बिहेवियर शो करोगे एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो कि गैम्बलिंग के थ्रू अपना सब कुछ लॉस्ट कर दिया. ठीक है, अपना अपनी पूरी फैमिली, अपनी अपना पूरा जो भी फाइनेंशियल उसके पास था उसने सब कुछ लॉस कर लिया गैम्बलिंग में. सो डेफिनेटली आप वहां पे उसकी हेल्प करने नहीं जाओगे.
बिकॉज यू फील कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी सिचुएशन के लिए. नेक्स्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग हेल्प्ड. फॉर एग्जाम्पल पीपल माइट बी अनविलिंगली टू गिव मनी टू अ नीडी पर्सन बिकॉज दे फील दैट द पर्सन माइट फील इंसल्टेड और मे बिकम डिपेंडेंट. ठीक है, समटाइम क्या होता है कि हम इस फिनोमिना से अफेक्टेड होते हैं कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा हम पे. ठीक है, या फिर अगर हम उसे फाइनेंशियली हेल्प करेंगे तो उसे बुरा लगेगा. ठीक है, दे नॉट फील कंफर्टेबल, दे नॉट फील गुड. सो दैट्स वाई हम कुछ सिचुएशन में प्रो सोशल बिहेवियर से बचते हैं या उसे नहीं शो करते हैं उस एग्जैक्ट वे में. सो प्रो सोशल बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग हेल्प्ड. ठीक है, तो प्रो सोशल बिहेवियर उस सिचुएशन में शो होता है जहां पे हमें फील होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस वे में रिएक्ट करेगा. अगर वो एक्चुअल में नीडी है और हम उसकी हेल्प करेंगे तो वो किसी उस चीजों को अदरवाइज नहीं लेगा, उसे नेगेटिव वे में नहीं लेगा. सो डेफिनेटली वहां पे हम हेल्प करते हैं. और अगर हम ये फील करते हैं कि मे बी जो पर्सन है वो इस चीज से उसको बुरा लग सकता है, दे फील बैड और दे फील इनकम्फर्टेबल. ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन वो फेस कर सकता है जहां पे उसको अच्छा ना लगे, सो वहां पे हम इनिशिएट नहीं करते प्रो सोशल बिहेवियर के लिए. सो दिस इज द सिचुएशन और द एक्सपेक्टेड रिएक्शन यू कैन सी. नेक्स्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर इज मोर लाइकली टू बी शोन by individuals who have a high level of empathy, that is the capacity to feel the distress of the person who is to be helped, such as Baba Sahib Amte and Mother Teresa. Pro-social behavior is also more likely in situations that arouse empathy, such as the picture of starving children in a famine. Okay, so definitely jo empathy jinme high hoti hai वहां पे प्रो सोशल बिहेवियर देखने को ज्यादा मिलता है. जिन इंडिविजुअल्स में एम्पैथी का हाई लेवल है, एम्पैथी का लेवल जो है वो इंक्रीज है, वो ज्यादा प्रो सोशल बिहेवियर शो करते हैं इन कंपैरिजन टू दोस पीपल्स हु हैव लो लेवल ऑफ एम्पैथी. सो द नेक्स्ट फिनोमेना इज द नेक्स्ट फैक्टर इज एम्पैथी. Next is pro-social behavior may be reduced by factors such as bad mood, being busy with one's own problem, or feeling that the person to be helped is responsible for her or his own situations. And internal attribution is made for the need state of the other person. ठीक है, so definitely अगर आपका बहुत खराब mood हो या आप खुद अपनी problems में बहुत ज़्यादा जो है कि engaged हो, you survive your own प्रॉब्लम्स, सो डेफिनेटली वहां पे आपका प्रो सोशल बिहेवियर का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सो योर ओन प्रॉब्लम्स एंड द सिचुएशन. नेक्स्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर मे ऑल्सो बी रिड्यूस्ड व्हेन द नंबर ऑफ bystanders is more than one. For example, the victim of a road accident sometimes does not get help because there are many people standing around the scene of the accident, and each person thinks that it is not her or his responsibilities alone to give help and that someone else may take the responsibility. This phenomena is called diffusion of responsibility, which I already told you. So on the other hand, if there is only one bystander, so this person is more likely to take the responsibility and actually help the victim. So ऐसा देखा गया है कि जब आप देखते हो कि बहुत ज्यादा लोग वहां खड़े हैं, बहुत ज्यादा पीपल्स हैं, तो वहां पे आप हेल्पिंग प्रो सोशल बिहेवियर नहीं शो करते हो, हेल्पिंग बिहेवियर नहीं शो करते हो. अगर वहां पे सिर्फ आप ही रहते हो तो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स वाई यू शो द बिहेवियर. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नोन एज
So this is all about pro-social behavior. These factors, these points are basically explained in which situation, in what extent we show the pro-social behavior, and why in some situations we are not showing the pro-social behavior. This is all about the chapter 6, attitude and social cognition. Today your chapter 6 is completed, and the next video we summarize the whole chapter and discuss some questions related to chapter 6. This is all about today. Thank you so much, class.